देवास जिले के बागली में शनिवार को पुलिस थाना बागली क्षेत्र में गांव बजरंगगढ़ के समीप जंगल में एक महिला ने पेड़ पर रस्सी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना दोपहर को बागली पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही बागली पुलिस और 100 डायल घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर एक सागवान के पेड़ में बंधी रस्सी में महिला लटकी हुई थी। पुलिस ने बताया कि मृतक महिला चंपाबाई पति गुलाब सिंह उम्र 35 वर्ष भील निवासी बजरंगगढ़ शुक्रवार की शाम को समीप गांव में कार्यक्रम में शामिल होने गई थी। उधर से घर लौटते समय महिला ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार मृतक महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। पुलिस ने मौका पंचनामा बनाकर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागली लाया गया, जहां पर शव का पीएम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी। बागली से रवि पटेल की रिपोर्ट। का शव मिला है जंगल में, क्या मामला? एक सरपंच ग्राम बजरंगगढ़ के सरपंच ने सूचना दी थी कि सर ऐसी ऐसी है कि एक महिला जो है फांसी लगा के कोई टंगी हुई है। तो सूचना पर पुलिस मौके पर गई। पुलिस ने फिर वहाँ पे उसका जो है कि मृतिका का फोटो वोटो करवा के वो है कि जांच में लिया है मामला। मृतिका की उम्र जो है 35 साल है, जो थोड़े मानसिक परिजनों से बताया कि वो थोड़े मानसिक संतुलन दिमाग से मानसिक ठीक नहीं था, ठीक नहीं है। और वहाँ से डेड बॉडी लेकर अस्पताल बागली में ला कर पीएम कराया जा रहा है। मर्ग कायम करके उसने जाँच में लिया है। जैसे पीएम रिपोर्ट आएगी वैसे उसका कार्रवाई की जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।